हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट खुशबू शर्मा। भाई फेस्टिवल्स नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद सबसे बड़ा यानी वेडिंग सीजन, शॉपिंग की तो अब सिलसिला शुरू ही होने जा रहा है। लेकिन परेशानी यह आती है कि कहाँ जाएं, किस तरह की शॉपिंग करें, मार्केट में क्या इन है, क्या डिजाइंस बेहतर हो सकते हैं। ये सभी चीजें अगर आप सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो सभी का जवाब आज इस शो में आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं जिस स्टोर पर मौजूद हूँ यहाँ पर आपको फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन का ऐसा शानदार कलेक्शन देखने को मिलेगा। वाकई खरीदने आप एक ड्रेस आएंगे लेकिन आपको लगेगा कि मैं सारी ड्रेसेस यहाँ से ले जाऊँ, क्योंकि जब आप इन ड्रेसेस को पहनेंगे तो आप बिल्कुल डिफरेंट, एकदम गॉर्जियस और स्टनिंग लगने वाले हैं। तो चलिए आपको शोरूम की सैर तो कराऊंगी, साथ ही साथ क्या खूबसूरत कलेक्शन है, क्या डिजाइन हैं और किस तरह से ये आप यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं। इस शो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टोर का नाम है लेबल आशीष सिंगल। जी हाँ, आशीष सिंगल जो शो की शोरूम के ओनर भी हैं और इस ड्रेसेस, खूबसूरत ड्रेसेस जो है ना, उसके डिजाइनर भी हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और खूबसूरत कलेक्शन आपको दिखाते हैं। लग रहा होगा ना कि मैं तो यहाँ आते ही हो गई हूँ शुरू, भाई क्या करूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना खूबसूरत कलेक्शन है। तो इस फेस्टिवल सीजन और इस वेडिंग सीजन अपने आप को खूबसूरत बनाइए, डिफरेंट बनाइए और सबकी नजरों में छा जाइए। तो हमारे साथ हैं पूरी इस स्टोर की, इस कलेक्शन की, इन खूबसूरत डिजाइन की होलसेल आशीष सिंगल जी। हेलो जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और मेरे कलेक्शन को व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। भाई बिल्कुल, दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वाकई आपका कलेक्शन इतना शानदार है जो मुझे पर्सनली मैंने कहीं नहीं देखा है। और इस वेडिंग सीजन मैं तो खुद आपसे बहुत सारी चीजें शॉपिंग करने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपके पास आएंगे और जमकर शॉपिंग करेंगे। तो शुरुआत करें जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या दिखा रही है हमारे दर्शकों को? मैं कुछ लाइट लहंगा से स्टार्ट करूंगी और उसके बाद हम कुछ ब्राइडल लुक्स देखेंगे। बिल्कुल वंडरफुल, क्योंकि आजकल सीजन ब्राइडल शॉपिंग का चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ आइडिया मिले एक कलेक्शन का, सो दैट उन्हें भी समझ जाए कि कैसा कलेक्शन हमारे स्टूडियो पे अवेलेबल है। बिल्कुल, पर वेडिंग सीजन की, वेडिंग कलेक्शन की बात आती है तो मुझे लगता है अगर दुल्हन की हम खासतौर से बात करें तो हमारी निगाहें सिर्फ रेड कलर पे जाती हैं, तो क्या आपके पास भी सब रेड रेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल की जो ब्राइड्स हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल लहंगा पहन के तंग आ चुकी हैं एंड दे वांट अ चेंज सीरियसली। और कलर्स का जब इनोवेशन की बात आती है तो लेबल आशीष सिंगल पे सारे कलर्स मिलते हैं। क्या बात है, एंड दैट्स माय ब्राइडल लुक। ओ माय गॉड, तो शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो सबसे पहले जो लहंगा, Oh my God, this is so beautiful color. ये color variation के साथ हमने एक लहंगा design किया है, entirely handwork. एंड ये लहंगा कुछ कॉकटेल ड्रेसेस एंड पार्टीज के हिसाब से ही हमने डिजाइन किया है, क्योंकि आजकल ब्राइड्समेड को बहुत लाइट लहंगाज एंड फ्लोई लहंगाज पसंद होते हैं। वाओ, एंड इस लहंगे के लिए हमें पर्टिकुलरली 20 से 25 दिन का टाइम चाहिए होता है, बिकॉज ये सारा हैंडवर्क है। कितना खूबसूरत है और ये कलर, मुझे ऐसा लगता है इस पर कोई भी डिजाइन अगर नहीं हो ये कलर इतना खूबसूरत exactly. है। अगर आप इसको पार्टी में पहन कर जाते हैं तो सबकी नजर आप पर होगी, क्योंकि ये कलर नॉर्मली इस तरह के लहंगाज में देखने को कभी नहीं मिलता है। सीरियसली, दैट इज सो अमेजिंग। हाँ बताइए, मैं दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल जरूर जरूर, जैसे कि ब्राइड्समेड आजकल डिफरेंट डिफरेंट तरह के लहंगे पसंद करती हैं, लाइट कलर्स और लाइट कलर्स के अंदर स्पेशली थोड़ा सा रात में जो ग्लो करे, जिसका वर्क इंटायरली स्टनिंग लगे और लाइट्स के अंदर वो वर्क शाइन करे, बेसिकली ऐसे कुछ लहंगाज हैं ये, जिसके अंदर हम थोड़ा सा एलिमेंट्स डालने के लिए पोटलीज और बेल्ट भी एड ऑन करते हैं। आजकल एक्सेसरीज कम हो गई हैं और आउटफिट का लुक ही एनहांस कर देता है इंटायरली एक फेस लुक को। क्या बात है, और मुझे मुझे ये पर्सनली भी इसलिए चीज़ें पसंद आ रही हैं क्योंकि जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं एंड व्हेन यू एंटर इन द यू नो वेन्यू और जैसे लाइट्स आप पर पड़ती हैं, बिल्कुल वो लाइटिंग जो होता है वेडिंग का, उसके अंदर जो फोटोग्राफी होता है उसमें जब तक लहंगे में चमक ना आए तब तक
मजा ही नहीं आता, लहंगा ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चमक कर सामने आएगी। और ऐसी यहाँ पर खूबसूरत कलेक्शन है, ये कलर इज वेरी डिफरेंट, इंटायरली सुरोस्की के वर्क के साथ ये लहंगा डिजाइन किया गया है। एंड एग्जैक्टली इसका जो शाइन है, सिंटिलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सुरोस्की की शाइन है जो इसमें दिख रही है। पूरा ये हैंडवर्क का लहंगा और इसमें हमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। And look at the border, this is so beautiful. इसका घेरा भी अराउंड 6.5 मीटर है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा एक फ्लो आता है ब्राइड के एंटायर लुक को, या फिर अगर ब्राइड एंगेजमेंट लुक के लिए प्रेफर करती हैं, जैसे क्योंकि एंगेजमेंट्स पे आजकल बहुत ही लाइट टोन्स पहनना पसंद करते हैं ब्राइड्स विद सम डायमंड एंड पोल की ज्वेलरी, तो ये उसी तरह से स्टाइल हमने किया है पूरा। क्या बात है। लेकिन अर्शी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब भी हम शादी के शॉपिंग की बात करते हैं, बेसिकली लहंगास की बात हम करते हैं, हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है, चाहे हम दिल्ली में रह रहे हों या आउट ऑफ दिल्ली हम लोग रह रहे हों, हम ये सोचते हैं कि चलो चांदनी चौक चलेंगे और वहीं पर लहंगास खरीदेंगे। आप मुझे ये बताइए, आपके लहंगे में और चांदनी चौक पर जो स्टोर्स पे लहंगे मिल रहे हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? और अगर है तो क्या है? डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि एज अ डिजाइनर हम लोग हर चीज को क्वालिटी से पहले कंसिडर करते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग में आते हैं। और चांदनी चौक में आपको डिजाइन तो मेरे ख्याल से बहुत मिल जाएंगे, सब कॉपीज भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मेरे लेबल के भी मिल जाएंगे लेकिन वहाँ पे आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। लेबल जरूर मिलेगा पर अर्शी सिंगल नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली, और क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। अगर हम कोई एक आउटफिट ले रहे हैं, स्पेशली एक वेडिंग आउटफिट है, अगर वेडिंग सीजन का आउटफिट है, फैमिली फंक्शन का, तो वो आउटफिट 4 साल 5 साल बाद भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसे कस्टमाइज कर लें, कुछ और आउट वेरिएशन में पहन लें। तो हमारा ये होता है कि हम अपना जितना भी मटेरियल है सारा इंपोर्ट करते हैं, okay. वो भी यूरोप से, बिकॉज क्वालिटी इज नंबर वन थिंग। सेकेंडली फिर क्लाइंट के जो स्टाइल्स और डिजाइन जो सिलोएट्स हैं, हमें वो भी अच्छा ही देना है। और बाकी मेरे जितने भी ब्राइड्स हैं फ्रॉम द ग्लोब, दे आर ऑल हैविंग वेरी डिफरेंट टेस्ट, और हमें सभी का टेस्ट को कैसे केटर करना है वो मेरे हर नए कलेक्शन में हम ऐड ऑन करते जाते हैं। क्या बात है। पहले कुछ और ड्रेसेस दिखाइए, क्योंकि सवाल तो मेरे पास इतने सारे हैं आपके लिए, क्योंकि ड्रेसेस ही कमाल के, वाओ लुक एट दैट, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है ये सेलिब्रिटी कलेक्शन ज्यादा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा जो पर्टिकुलर डिजाइन है एलनाज ने पहना था, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट्रेस है इंडस्ट्री में, एंड इसके अंदर पूरा सिंटिलेशन जो हमने सेट किया हुआ है वो एक ही टोन में सेट किया है, क्योंकि आई डोंट ब्रिंग सो मेनी कलर्स इन वन कलेक्शन, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आजकल का टेस्ट वो नहीं है कि एक ही आउटफिट में आप 25 कलर डाल दें, yes. और उसी तरह से खिचड़ी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। डिजाइन क्लियरली दिखना चाहिए, wow. क्या हमारा स्टोरी है पीछे उस डिजाइन के, वो भी एक हाईलाइट होना चाहिए। ये पूरा फ्लोरल है, नेचर इंस्पायर्ड मेरा आउटफिट है, इसी तरह से आई सूदिंग है बहुत ज्यादा, मतलब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि देखते ही रहो। वाओ, और कैन लेयर्स तो हम डिटैचेबल देते हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है पूरा लहंगा पूरा सुबह से शाम तक सेम वेट में कैरी करना, सीरियसली। एंड ये जो लहंगास हैं ये सारे ही हमने हैंडवर्क से बनवाए हैं, इसमें कोई मशीन का ये बताइए एक लहंगे को डिजाइन करने में कितना टाइम अप्रोक्स लगता है? अप्रोक्सीमेटली हमें ब्राइडल लहंगास की बात करें तो 1.5 महीना चाहिए ही चाहिए, और अगर हम बात करें ब्राइड्समेड लहंगास की तो 20 से 25 दिन का टाइम भी चाहिए होता है। कलर कस्टमाइजेशन वी डू, नेकलाइन कस्टमाइजेशन वी डू। मुझे एक बात और बताइए अर्श जी, जैसे कोई ब्राइड आपके पास आती है या कोई भी शॉपिंग के लिए आपके पास आया, अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं पूरी मार्केट घूम कर आई हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खरीदूँ, तो क्या आप उसको ये सजेस्ट कर सकती हैं कि आपकी पर्सनालिटी आपकी बॉडी टाइप पर इस तरह का ड्रेस? क्योंकि ब्राइड के लिए वेडिंग डे से स्पेशल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। वेडिंग डे इज द ओनली डे जहां हम जो आउटफिट पहन रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए सीज हो जाता है। वाओ, तो उसी तरह से एक आउटफिट के लिए हमारी टीम और हमारा भी पूरा एफर्ट रहता है कि इवन इफ द ब्राइड वांट्स टू वेयर अ पर्टिकुलर कलर, कि हम उस कलर को अपने उस डिजाइन में किस तरह लाएं और वो कलर लगेगा कैसा। क्या बात है। इसमें ये बेल्ट है जो एलिमेंट एड ऑन है, ओके ये अटैच्ड बेल्ट है इसका, ये पूरा ये थोड़ा ग्रेस देती है इसको, ये नेकलाइन बहुत डिफरेंट हमने स्टाइल किया है,
और ये जितना भी वर्क हमने सेट किया है सारा गोल्डन एंड प्लूम के टोन में, ये पूरा हैंड वर्क है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये मेरा नया पीस है स्टेलर कलेक्शन का, जो अभी हमने 5th अक्टूबर को कलेक्शन लॉन्च किया है, ये उसी का एक डिजाइन है। क्या बात है। तो कलर्स तो खूबसूरत है ही, डिजाइन उससे भी बेटर है, डिजाइनर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। तो इस स्टोर पर आप आ सकते हैं और आई गारंटी एंड आई एम श्योर कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि लेने एक आएंगे और लेकर चार जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। आजकल टोमेटो ऑरेंज इज अगेन बहुत ज्यादा इन है। यस। एंड टोमेटो ऑरेंज का जो टोन होता है वही टोन हमने इस लहंगा के अंदर पूरा डिजाइन किया है। वाओ। करदाना और सीक्वेंस के साथ। This और is so beautiful. ये तो मतलब हमारे कुछ मैंने अभी डिजाइन दिखाए जिनमें सीक्वेंस करदाना और स्टोन्स का सोरोस्कीज का वर्क था। सिर्फ यही नहीं, हम ट्रेडिशनल लहंगास भी बनाते हैं जैसे कि गोटा पत्ती वर्क हो गया या गोटा वर्क हो गया। वाओ, अमेजिंग, माय गॉड, पेस्टिंग के साथ गोटा वर्क में लहंगा है, क्या बात है। क्योंकि गोटा वर्क ऐसा वर्क है जो ट्रेंड से कभी बाहर जा ही नहीं सकता। एंड काफी ट्रेडिशनल लुक ये एक लहंगे को देता है। ये मेरे मतलब ब्राइड्स ही नहीं, ब्राइड्स की मदर्स। Wow. Even this piece goes with... I want to take it home. sure, anytime. This is so beautiful. मतलब जिसको कहते हैं ना सभ्य, सुंदर, सुशील, सोबर सा लहंगा, this is and बहुत light है ये लहंगा। This is very light. दिखने में बहुत heavy लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत light है। बहुत light है। Speciality of this lehenga, I guess, is that कि ये जितना shine कर रहा है और जितना heavy आपको feel दे रहा है। This is so easy to wear, I guess. Wow. हम सारे ही colors customize करते हैं इन designs में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा एक चीज मुझे अर्षी जी और बताइए, मुझे आपके स्टोर के बारे में खासियत से पता चली है तो अपने दर्शकों के साथ मुझे वो साझा करना बेहद जरूरी है। भाई हम जब लव स्टोरी की बात करते हैं तो या तो हम फिल्में देखते हैं या फिर हम किताब पढ़ते हैं, लेकिन लव स्टोरी के लिए क्या कोई लहंगा भी पहना जा सकता है या लहंगा भी देखा जा सकता है? कंफ्यूज हो गए ना। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि दिस इज दी ओनली स्टोर जहां पर आपकी लव स्टोरी आपके लहंगे पर आपको दिखाई देगी। ओ माय गॉड, ये मेरा एक डिजाइनर लहंगा जो मैंने डिजाइन किया था जिसमें मैंने ब्राइड की लव स्टोरी डाली है। wow. ये उसी का एक सैंपल पीस है जिसमें हम क्लाइंट से पहले उनकी स्टोरी जानते हैं, फिर उसके हिसाब से मेरी टीम पूरा इलस्ट्रेट करती है और हम फिर फाइनली लहंगा को प्रोडक्शन पे लगाते हैं। इसके लिए वी नीड 2.5 मंथ्स ऑफ टाइम एंड इसमें मिरर से लेके रेशम, करदाना, सीक्वेंस और दबका बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इसका 2.5 मंथ्स का टाइमिंग है जो हमें मिनिमम चाहिए इस लहंगा का, क्या बात, इवन ट्रायल देने के लिए भी। कलर कस्टमाइजेशन हम करते हैं लहंगाज में बट वेरिएशन के साथ। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। और आपकी जब शादी होने जा रही हो, आपकी जैसी भी स्टोरी रही हो, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी हो, बट कुछ दिन का समय आपको ज़रूर मिलता है अपने पार्टनर को जानने का, समझने का, और मुझे लगता है उस दौरान आपको प्यार हो भी जाता है। तो आपकी वो स्टोरी शादी वाले दिन आप जो लहंगा पहनेंगी उस पर आपको नज़र आएगी, आपको नहीं बल्कि सबको नज़र आएगी कि भाई इन दिनों में क्या कुछ हुआ है, तो वो आप अपने लहंगे पर देख सकते हैं। एक और लहंगा यहाँ हमें नजर आ रहा है। वाओ, ये मेरा दूसरा स्टोरी लहंगा है जिसके अंदर क्या बात है और पूरा बारात जा रहा है शादी का। क्या बात है, क्या बात है। सखियां डांस कर रही हैं, दरबान्स यू नो ब्राइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाओ, और महल का पूरा हमने स्ट्रक्चर दिया है, जितनी भी ऑस्पिशियस चीजें होती हैं लाइक फ्लावर हो गया वो सारा हमने इसके अंदर लहंगे में डिजाइन किया है। प्लस ये लहंगे में ट्रेल है क्योंकि हर ब्राइड को ट्रेल या नहीं चाहिए या चाहिए वो हम कस्टमाइज करते हैं और इसका ट्रेल काफी ज्यादा इलैबोरेटेड है। दिस इज लाइक ओके महारानी स्टाइल। यस यस, इट्स अ रॉयल लहंगा एंड इसका जो वर्क है वो सारा ही वर्क हैंडवर्क है, इसलिए इसके लिए अगेन हमें 2.5 महीने का टाइम चाहिए। और हम इसके अंदर वेरिएशंस में कलर टोन्स डिफरेंट लाते हैं। ये भी मेरा स्टेलर पीस का बनाना इज वेरी गुड अर्शी। मुझे ये बताइए इसको पहनने के बाद पीछे दो लोग भी चाहिए लगे चलने के लिए। वाओ, लुक एट दिस। ये जो इसका हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं जो आपने घुमाव दिया है जी, दिस इज सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। और जब इसको पहनकर आप चलते हैं
ओहो बिल्कुल लगता है जैसे इंग्लैंड की महारानी चली आ रही हो। और ये बहुत खूबसूरत लहंगा है, वैसे भी कोई भी दुल्हन हो उस दिन महारानी ही लगती है। और सभी का हक है शादी वाले दिन खूबसूरत लगना। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई विश मेरी शादी अब तक ना हुई होती तो मैं ऐसा ही लहंगा पहनती। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। और आई एम श्योर आप जब इस लहंगे को सच में यहाँ स्टोर पर आकर देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। ये लहंगा वाकई डिजर्व करता है आप जैसी सभी खूबसूरत दर्शकों को। तो आप यहाँ आइए और जमकर शॉपिंग कीजिए और एकदम यू लुक फैबुलस, सीरियसली दिस इज सो अमेजिंग। अच्छा आरशी जी, ये तो बात हुई बहुत ही ज्यादा हैवी लहंगा की, लाइक ब्राइडल लहंगा की, लेकिन सिर्फ दुल्हन के अलावा भी बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे चाचा की लड़की है, मामा की लड़की है, हमारे खुद के सिस्टर्स हैं, क्या उनके लिए भी आपने कुछ रखा है? बिल्कुल, क्योंकि ब्राइड्समेड के बिना तो ब्राइड का डे ही अधूरा होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उनके लिए तो हमारे पास एक अलग ही कलेक्शन है जो बहुत लाइट है एंड प्रीमियम है। और वो पीसेस के अंदर हम बेसिकली वही एलिमेंट्स लाते हैं जो बहुत लाइट हो, फ्लोई हो, बिल्कुल गर्ली हो। जैसे कि ये मेरा लहंगा चिकनकारी वर्क के साथ है एंड ये सेट ऑफ फाइव है, बिल्कुल गार्लिश मेहंदी हल्दी के लिए, बिल्कुल लाइट लहंगा जैसे आजकल ब्राइड्समेड प्रेफर करती हैं, जिसमें बॉडी शेप बहुत ही बेटर लगता है एंड यू नो आप कोई भी तरह का ज्वेलरी पहन लो सब ज्वेलरी कॉम्प्लीमेंट करता है। इसमें हम एलिमेंट्स में पोटलीज और बेल्ट भी देते हैं क्योंकि आजकल गर्ल्स को पूरा ही लुक कवर करना होता है तभी एक इंटायर लुक दिखता है ब्राइड का। वाओ, एंड द बेल्ट इज हियर। या सो इस बेल्ट के अंदर हमने फॉलिंग लेस दिया है क्रिस्टल का, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आजकल ब्राइड्स को बनारसी का भी बहुत ज्यादा ये आपने बहुत अच्छी ड्रेस मुझे इसलिए दिखा दी है क्योंकि हमारी मम्मियों की इतनी सारी बनारसी साड़ी हमारे घर पर ढेर लगा हुआ है। अब वो काम आने वाली है और उसके लिए काम आएंगी अर्शी। वाओ क्या बात है। ये लहंगा है जिसके अंदर हमने 3 tones लिए हैं बिकॉज कंट्रास्ट तो हर जगह ही चलता है। वाओ वाओ, एंड ये पूरा बनारसी सिल्क पर है, बहुत लाइट है ये लहंगा, कैन लेयर्स भी है जबकि इसके अंदर, और हम ब्लाउज कस्टमाइजेशन देते हैं ऑन ऑर्डर्स बिकॉज हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है। ये एक हमारा बेसिक डिजाइन एंड लुक है, यानी जैसे हमारा कलर पसंद हो हमें हम वो आपसे डिजाइन करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑन ऑर्डर वी कस्टमाइज द कलर एज वेल एज द नेकलाइन। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मुझे कलेक्शन लग रहे हैं। आप वाकई यकीन नहीं करेंगे कि ये ड्रेसेस इतनी लाइट वेट हैं और इतनी फ्लफी हैं, फ्लफी एज इन कि जब आप इनको पहनेंगे तो आपको लगेगा कि आप एकदम जो बार्बी जैसा लुक आपका होता है वो आपको इसको पहनने के बाद आ रहा है। कैसे डिजाइन कर लेती हैं अर्शी आप? क्योंकि आजकल सबका चॉइस है एकदम रॉयल, लेकिन पहनने के बाद वेट कोई नहीं चाहता है सीरियसली, बिल्कुल नहीं। तो अब हमें मिरर वर्क भी लाना है लहंगा में, तो ये मेरा एक उसी तरह का पीस है जिसमें मैंने मिरर वर्क को यूज किया हुआ है एंड जो कलर टोन्स हैं हम इसके अंदर बहुत लाइट लाइट कलर्स लाते हैं क्योंकि गर्ल्स को आजकल थोड़े लाइट टोन्स बेटर पसंद आते हैं। और ये कपड़ा भी बहुत लाइट है, यस बहुत लाइट है। दिस इज अ वेरी लाइट फैब्रिक जिसके ऊपर हमने ये वर्क सेट किया हुआ है पूरा, और हम वर्क के साथ फैब्रिक को भी कस्टमाइज करा देते हैं अगर ऑर्डर पे हमारे पास टाइम होता है तो। फॉर एग्जांपल सिल्क है या फिर वेलवेट्स है, वी डू दैट कस्टमाइजेशन आल्सो। दिस इज वंडरफुल। तो भाई एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या। जी हाँ, अर्शी के स्टोर पर है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो लहंगा है पहनकर कैसा लगता है और कितना महंगा है। सो लेट्स कम विद मी। कैसा लग रहा है आपको ये? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरा दिन उसको उतारूंगी नहीं, इसको पहने ही रखूंगी। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझसे ज़्यादा आप मुझे बताएंगे, और मेरा ये शो भी कैसा लग रहा है ये भी मुझसे ज़्यादा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं लेबल अर्शी सिंगल पर हूँ और मैंने ये जो कैरी किया है ये जो लहंगा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और कोई भी ड्रेस जो आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आए, जो आपको ब्लश कराए, जो आपको खूबसूरत बनाए, मुझे लगता है वो ड्रेस ही आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस हो सकती है, वो आपकी ड्रीम ड्रेस भी हो सकती है। और आपके किसी भी फंक्शन को
अगर आप बहुत ही हैप्पीली बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय करना चाहते हैं और अपनी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहते हैं तो आप लेबल अर्शी सिंगल के स्टोर पर आ सकते हैं और मेरी तरह खूबसूरत लहंगा पहनकर मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए पहुँची हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि कहाँ से आप फेस्टिवल्स की और वेडिंग सीजन की शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए। अगर आप ब्राइड हैं या फिर आप ब्राइड मेट हैं तो सब तरह का कलेक्शन आपको लेबल अर्शी सिंगल के स्टोर पर मिलने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये शो और अर्शी सिंगल का ये कलेक्शन बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज आई एम लविंग इट एंड लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन भुवन जोशी के साथ MH1 प्राइम के लिए खुशबू शर्मा, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।